दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको देसी तरीके से जो है ब्याज निकालना सिखाएंगे बिना कैलकुलेटर की मदद से। तो एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको दिख रहा है दोस्तों 12,000 रुपये मान लीजिए आपने लिए हैं और जो है 3% के ब्याज से आपने किसी से 12,000 रुपये लिए हैं। तो जब से आपने पैसा लिया है मान लीजिए 10 जनवरी 2018 को आपने 12,000 रुपये लिए थे 3% की ब्याज दर से, और हम निकालेंगे जो है 12 फरवरी 2021। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 फरवरी 2021, मतलब कि 12 फरवरी 2021 तक का हम ब्याज निकालेंगे 3% का। तो इसमें जो है 12 जो है दिन है, 22 ये जो है फरवरी माह है और जो है वर्ष है 2021। तो आप देख सकते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे वो हम आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी जो है इसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जो है कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 10 1 2018, कब तक ले रहे हैं 12 फरवरी 2021 तक। तो अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको जो है इधर से घटाना है। वैसे हम इधर से घटाते हैं लेकिन आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड से घटाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इसके बाद में 21 में से 18 जाएगा तो यहाँ बचेगा 003, मतलब कि ये वर्ष हो गया, ये माह हो गया और ये हो गया दिन। तो आपका 3 वर्ष 1 माह और 2 दिन का ब्याज जो है हमें देना है। तो अब इसमें एक चीज यहाँ पर हमको देखनी है कि 12 + 36 महीने और 1 महीने ये हो गया 37 महीने। तो कुल हमें 37 माह और जो है 2 दिन का ब्याज हमें जो है देना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, अब इसको कैसे निकालेंगे ब्याज को वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो दोस्तों अभी हमने जो है 37 माह और 2 महीने का हमको ब्याज देना है। तो अब हम निकालेंगे 1 महीने का ब्याज जो है 12,000 का कितना बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम 12,000 का 3%, परसेंट को हम हटा देंगे, परसेंट का मतलब जो होता है 100। तो इसको देंगे यहाँ से भाग, यहाँ लिखेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और ये हो जाएगा 120 बचेगा और इधर 3 बचेगा, मतलब कि इसको गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। तो ये आ गया हमारा 1 माह का ब्याज। तो अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा 1 माह का 12,000 रुपए का जो है हम 360 रुपए प्रति माह का हम ब्याज हमको देना है। तो अब यहाँ पर हमें कुल कितना ब्याज देना है वो हम देखेंगे, हमें देना है 37 का। तो 360 है ना का गुणा करेंगे 37 से, तो ये हो जाएगा आपका 2520 रुपए। अब जो है 2520 हमारा ये हो गया, इसके बाद में अब हमको, तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे गुणा 360 × 37, 37 महीने का हमको निकालना है, 360 जो है 1 महीने का हमारा है ब्याज है। तो हमने गुणा किया
तो यहाँ पर हमारा आ गया है टोटल 13,320 रुपये। अब इसके बाद में हमने निकाल लिया है 37 महीने का ब्याज। अब हम निकालेंगे 2 महीने का ब्याज। तो 2 महीने का ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर हम जो है 360 का भाग दे देंगे 30 से, तो हमारा ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 12 रुपये। 12 रुपये हो गया एक दिन का। तो हमारे हमें निकालना है 2 दिन का, तो 2 दिन का हो जाएगा 24 रुपये। तो यहाँ पर जो है हम प्लस कर देंगे 24 को, तो ये हमारा हो जाएगा 13,444 रुपये हो गया टोटल ब्याज। ये हमारा हो गया कुल ब्याज, हो गया हमारा जो है 12,000 का। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12,000 रुपये हमने लिया था, प्लस हम इसमें ब्याज जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 24,25,344। तो दोस्तों अब हमने आपको ये है टोटल बता दिया है। ये आपको 12,000 रुपये का आप लेते हैं किसी से ब्याज पर, 3% के ब्याज पर, तो आपको जो है 2 साल, सॉरी 3 साल 1 महीना और 2 दिन, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 साल 1 महीना 2 दिन का जो है ब्याज आपका बनेगा 13,344 रुपये, और जो है ब्याज और मूल आप जोड़ के आपको 25,344 रुपये जो है देने हैं। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही साधारण तरीके से, देसी तरीके से जो है ब्याज निकालना बताया है, और बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से आप जो है ब्याज निकाल सकते हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपके मित्रों को भी जो है ब्याज निकालने में आसानी हो, और वो भी आसानी से ब्याज निकालना सीख सकें बिना कैलकुलेटर की मदद से। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।